पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे, धन्यवाद। करीब 3 महीने का लॉकडाउन खत्म होने के बाद बहुत से बैंकों ने अपने कुछ नियमों में बदलाव किए। लॉकडाउन के दौरान अन्य बैंकों के एटीएम से पैसे निकालने पर बैंक चार्ज नहीं करती थी, लेकिन जब लॉकडाउन खत्म हो गया तो बैंकों ने फिर से चार्ज करना शुरू कर दिया है। न्यूनतम बैलेंस रखने को लेकर भी लॉकडाउन के दौरान कुछ छूट दी गई थी, लेकिन इसे भी अब पहले की तरह ही कर दिया गया है। वहीं अब एक बार और बैंक कुछ नियमों में बदलाव करने जा रहे हैं। बदले गए नियम 1 अगस्त से लागू किए जाएंगे। अगर आपका खाता कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र या एक्सिस बैंक में है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कई बैंकों ने अपने नकदी संतुलन को बढ़ाने और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए यह बदलाव किए हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में बचत खाता धारकों को मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में अपने अकाउंट में 2,000 रुपए मिनिमम बैलेंस रखना होगा। पहले यह राशि 1,500 थी, जिसे अब बैंक ने बढ़ाने का फैसला लिया है। अगर अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया जाता है तो मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में 75 रुपए की दर से हर महीने शुल्क वसूला जाएगा। वहीं अर्ध शहरी क्षेत्रों में 50 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में यह चार्ज 20 रुपए होगा। आपको बता दें कि मेट्रो शहर पूर्ण रूप से विकसित शहर को कहा जाता है, महानगर को भी मेट्रो शहर कहा जाता है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो इसकी सभी शाखाओं में 3 मुफ्त लेन देन की सुविधा मिलती है। इसके बाद पैसा जमा करने और निकालने पर 100 रुपए तक बैंक की तरफ से चार्ज किया जाता है। वहीं एक्सिस बैंक की बात करें तो खाता धारकों को अब प्रत्येक ECS ट्रांजैक्शन पर 25 रुपए देना होगा। ECS एक बैंक खाते से दूसरे खाते में धन हस्तांतरण की एक इलेक्ट्रॉनिक विधा है। इसका उपयोग संस्थानों द्वारा लाभांश, ब्याज, वेतन, पेंशन आदि के वितरण के रूप में भुगतान करने के लिए किया जा सकता है। इससे पहले एक्सिस बैंक ECS ट्रांजैक्शन के लिए कोई चार्ज नहीं लेता था, लेकिन अब बैंक की तरफ से इस पर शुल्क लिया जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक में डेबिट कार्ड से महीने में 5 बार पैसे निकालने पर 20 रुपए प्रति नगद और गैर वित्तीय लेन देन के लिए 8.5 रुपए शुल्क लिया जाएगा। इन बैंकों द्वारा नियमों में किए गए यह बदलाव 1 अगस्त से लागू हो जाएंगे। खाता धारकों को इसका ध्यान रखने की जरूरत है। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण YouTube की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पेट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे, धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।